जैसा कि आप जानते ही हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है शो में सीरत की मौत दिखाई जा चुकी है और इसी मौत वाले ट्रैक के साथ शिवांगी जोशी ने शो से विदाई ले ली है। शिवांगी के जाने से जहां एक तरफ फैंस और शो के तमाम स्टार्स काफ़ी इमोशनल हैं, तो वहीं अपने आखिरी एपिसोड के सामने आने के बाद शिवांगी ने नम आंखों से अपनी एक चिट्ठी में शो से जुड़ी अपनी यादों को बयां किया है। शो को अलविदा कहने के बाद इंस्टाग्राम पर लिखी गई इस लंबी चिट्ठी में शिवांगी ने अपने इमोशंस जाहिर करते हुए बताया है कि वो चाहकर भी अपने आंसू नहीं रोक पा रही और इसी के साथ शो में अपने पहले दिन से लेकर आखिरी पलों की तमाम यादों को शिवांगी ने इस चिट्ठी में बयां किया है। आपको भी दिखाते हैं शिवांगी ने अपनी चिट्ठी में रोते रोते क्या कुछ लिखा। शिवांगी लिखती हैं, ये शायद पहली बार है जब मैं अपने इमोशंस बयां कर रही हूँ। ये दिन ऐसा है जब मेरे आंसू आ रहे हैं और अगर मैं चाहूँ भी तो भी इन्हें नहीं रोक पा रही हूँ। आपकी ज़िंदगी में वो समय आता है जब आप नए लोगों से मिलते हैं और वो ज़िंदगी भर के लिए आपके दिल में जगह बना लेते हैं। ये समय मेरी ज़िंदगी में साल 2016 में आया था जब मैं पहली बार ये रिश्ता क्या कहलाता है कि सेट पर गई थी। मैं नहीं जानती थी कि ये सेट मेरा दूसरा घर बन जाएगा और वो लोग जिन्हें मैं जानती भी नहीं थी वो मेरा परिवार बन जाएंगे। अपनी इस चिट्ठी में शिवांगी ने आगे ये भी बताया कि ये रिश्ता क्या कहलाता है उनके दूसरे घर की तरह था, जहां से जाना उनके लिए ऐसा था जैसे एक बेटी अपने घर को छोड़ रही हो और उसकी विदाई हो रही हो। शिवांगी अपनी चिट्ठी में लिखती हैं, ये रिश्ता के साथ करीब 6 साल हो गए हैं और मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ ये रिश्ता बहुत कुछ कहलाता है। ये केवल एक शो नहीं बल्कि मेरी जिंदगी, मेरा घर था। यहाँ मैं हंसी हूँ, रोई हूँ, जोक्स पर हंसी हूँ, नाची हूँ, बच्चों के साथ खेली भी हूँ। यहाँ मैंने अपने डायरेक्टर से डांट खाई तो अच्छा शॉट देने पर पूरी टीम ने तारीफ भी की। 2 दिन पहले जब मैं आखिरी बार सेट छोड़कर जा रही थी तो ऐसा लगा जैसे मेरी विदाई हो रही है। गुड बाय कहने के लिए शो से जुड़ा हर शख्स वहाँ मौजूद था और सब रो रहे थे। किसी बाहरी शख्स के लिए ये किसी लड़की की विदाई के सीन से कम नहीं था। इसी के साथ शिवांगी ने उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया जिसने इस सफर में एक्ट्रेस का साथ दिया था। वहीं शिवांगी ने अपने फैंस को भी थैंक्स कहा। शिवांगी ने अपनी चिट्ठी में शो से जुड़े अपने प्यार, लगाव और शो की टीम के साथ उनका कैसा रिश्ता था तमाम जज्बातों को अपने शब्दों के जरिए जाहिर कर दिया। शिवांगी की ये चिट्ठी देख उनके फैंस भी अब इमोशनल हो रहे हैं और उनकी ये चिट्ठी खूब वायरल भी हो रही है। आपको बता दें कि ये रिश्ता क्या कहलाता है शो की शुरुआत साल 2009 में हुई थी, जिसमें एक्ट्रेस हिना खान और करण मेहरा लीड रोल में नजर आए थे। लेकिन इन दोनों स्टार्स के जाने के बाद शिवांगी जोशी ने नायरा बनकर तो वहीं मोहसिन खान ने कार्तिक बनकर शो की बागडोर संभाली। इन दोनों की परफॉर्मेंस ने और केमिस्ट्री ने लोगों का दिल ऐसे जीता कि ये टीवी की बेस्ट जोड़ी बनकर सामने आई और लोगों के दिलों पर छा गई। लेकिन अब इन दोनों की विदाई पर सब रो रहे हैं।